राष्ट्रगान के समय अगर किसी देश के राष्ट्रपति को पेशाब हो जाए तो कार्यक्रम क्या क्या होगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, सोशल मीडिया में किस तरह का मजाक बनेगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर से आप परिचित होंगे। एक ऐसा ही मामला सामने आया दक्षिणी सूडान में, जहां के राष्ट्रपति को राष्ट्रगान गाते समय खड़े खड़े पेशाब हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति की सुरक्षा प्रशासन को पता चला, उन्होंने उल्टे करीब 6 लोगों को जेल भेज दिया। ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि राष्ट्रगान के समय सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने पेशाब किया तो फिर दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल क्यों भेजा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें यहां पर हैं, कैसे हुआ ये मामला क्या है पूरा हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सल्वा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राष्ट्रगान के समय सबसे आगे भी वो खड़े थे। बैंड की धुन के बीच राष्ट्रपति सल्वा पेशाब करने लगे। वायरल वीडियो में राष्ट्रपति की बैंड ऊपर से नीचे गीली होती दिखी। कार्यक्रम को कवर करने के लिए वहां पत्रकार मौजूद थे, उनमें से किसी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया और इसी जुर्म में 6 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सल्वा मीर ने राष्ट्रगान के दौरान ही पेशाब कर दिया तो देश पर शासन क्या करेगा। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पेशाब कर देने वाले नेता दुश्मन देशों से अपने देश और जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। राष्ट्रपति के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, लोग तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। उधर पैंट गीली होने के बाद से राष्ट्रपति की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, आप देखिए वहां मौजूद पत्रकार थे जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, और जब वो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे उनके कैमराज ऑन थे, उन लोगों को ये बात पता चल गई। और ये बात पता चलने के बाद उन्होंने इस तस्वीर को वायरल कर दिया, उसी जुर्म में 6 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में राष्ट्रपति की पैंट गीली होने के बाद वहां पत्रकारों को दोषी ठहराया गया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब जब लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इनमें पत्रकारों का क्या दोष था, क्या ये वीडियो, क्या ये तस्वीर पत्रकारों को दुनिया तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी, और इसी के बाद ये विवाद आगे बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि दुश्मन से कैसे मुकाबला करेंगे हमारे राष्ट्रपति। देखते रहिए आज तक।